कन्नौज के गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के गदनापुर गांव में नहाने गए दो बच्चों की डूबने से मौत हो गई। ये घटना उस वक्त घटी जब दोनों बच्चे गड्ढे में नहा रहे थे, तभी अचानक बच्चों का पैर फिसल गया और बच्चे गहरे पानी में डूब गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने बच्चों को पानी से बाहर निकाला, लेकिन तब तक बच्चों की मौत हो चुकी थी। वहीं घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इस घटना से ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में कई भट्टे हैं और भट्टा मालिक जगह जगह गड्ढे खोद कर छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। घटनास्थल पे पहुंचा तो मुझे ये पता चला कि आज गदनापुर से चार पांच बच्चे अमर भट्टे के पास में एक गड्ढा है बड़ा सा, उसमें नहाने गए थे, जिसमें दो बच्चे डूब गए, तीन बच गए। ठीक है, पुलिस आई हुई है, अपनी कार्रवाई कर रही है, जो भी उचित कार्रवाई होगी पुलिस करेगी। बता रहे गड्ढे जो हैं भट्टे वालों के बने हुए हैं, बड़े बड़े गड्ढे भट्टे वालों ने किए हुए हैं। इतने बड़े गड्ढे मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। ऐसे गड्ढे इस क्षेत्र के लिए घातक साबित हुए हैं और आगे से भी होते रहेंगे। तो मैं अपील करना चाहता हूँ भट्टे वालों से कि ऐसे गड्ढे ना करें, ताकि जनता जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं उनको दिक्कत ना हो। दो बच्चे नहा रहे थे, उनके साथ में पाँच छः बच्चे और थे, तो ये नहाते हुए दो बच्चे डूब गए हैं गदनापुर में। उनका नाम है साहिल पुत्र रियाज खान, ये 16 वर्ष का है, और सोहेल पुत्र तब्बू, ये है, ये करीबन 15 वर्ष का है। कैसे मौतें हुई इनकी? ये पता तो रहे कि जो पाँच छः बच्चे थे जो नहा रहे थे, वहाँ एक गड्ढा है, ये अमर भट्टे के पास में एक गड्ढा है, वहाँ पे पानी भरा हुआ है, वहीं पे पाँच छः बच्चे नहा रहे थे, उसमें से दो बच्चे डूब गए हैं और उनके घर वाले से बातचीत कर रहे हैं, कोई बात नहीं। नहीं, गड्ढा किसके लिए? नहीं, पानी नहीं, भट्टे वाले, पानी भरा है कुछ ना, पानी का जैसे यूज होता है ना उसी प्रकार से गड्ढा है, किसी का कोई नहीं है।